चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर कैरिंग करंट आई इज शेप्ड एज शोन, सेक्शन ए बी इज अ क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस आर, ये वाला ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड, तो पहली बात तो इस वायर की वजह से, जो ये वाला वायर है, ये पोर्शन है स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि एक्सिस पे है। ये ऊपर वाला स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे जीरो होगी क्योंकि ये भी एक्सिस पे है। अब इस कर्व वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, कर्व वायर के लिए क्या होता है, कर्व वायर थम आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और जो कर्व फिंगर हैं वो करंट की डायरेक्शन बताती हैं। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी ना, पेपर के अंदर की तरफ होगी सी पॉइंट पे, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हाँ ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इन टू द पेपर, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। सी पॉइंट पे, अगर मैं सी पॉइंट पे सिर्फ बात करूं या किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो कर्व फिंगर की वजह से अगर देखा जाए, कर्व फिंगर का डायरेक्शन कैसा है, वो क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन, और थंब किधर शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड मैक्सवेल थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई इनवर्ड, तो बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।